मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अक्सर मूवी 2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके रोल के बारे में से थोड़ा पहले बताइए। जी, अक्सर 2 इज अ सीक्वल ऑफ अक्सर, लेकिन द ओनली सिमिलैरिटी इन द बोथ फिल्म्स इज कि वो क्राइम सस्पेंस थ्रिलर जॉनर है, इट्स नॉट अ कैरी ऑन सीक्वल। स्टोरी बहुत फ्रेश है एंड उसके अंदर बेसिकली जो आजकल होता है, हर इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिव रहता है कि मैं कितनी जल्दी कितना पैसा कमा सकता हूँ या कितनी जल्दी मैं तरक्की कर सकता हूँ। तो इस फिल्म में भी यही दिखाया गया कि जो ग्रे शेड हम सबके हैं, एक हर इंसान के अंदर एक ग्रे शेड होता है, विच इज़ अ सेल्फिश काइंड ऑफ अ नेचर। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, हर किसी का ही देखने का जरिया होता है, नज़रिया होता है। तो दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट कि जितने भी हम कैरेक्टर्स हैं, वेदर इज़ ज़रीन खान, वेदर इज़ गौतम, वेदर इज़ अभिनव एंड माई सेल्फ, कि वॉट कैन वी गो और वॉट कैन वी डू एंड हाउ फार कैन वी गो टू अक्वायर वेल्थ, कि पैसा और शोहरत लेने के लिए आप कितनी कौन सी हद तक जा सकते हो और उसके पाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये फिल्म में यही दिखाया गया। सर, इसमें ज़रीन मैम और गौतम रोड़ी भी है यहाँ पर, तो उसके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? एक्चुअली वर्किंग विद ज़रीन खान एंड गौतम रोड़े एंड द अदर एक्टर्स वॉज वेरी ब्रिलियंट, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड ज़रीन इज़ वेरी कम्फर्टेबल पर्सन टू वर्क विद एंड आई थिंक एक्टर्स के साथ काम करना एंड इज वन थिंग, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नीड टू सपोर्ट द होल यूनिट and the best part was I think the director was the backbone. He knew all the actors, how to get what out of them, and all the actors we bonded pretty well. हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया and मस्ती भी की, लेकिन थोड़ी सीरियस फिल्म हो जाती है ना कि यार कोई सस्पेंस चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन जब कट्स होते थे उसके बीच में वी टू ऑल एंजॉय ourselves a little bit here and there, लेकिन काम के टाइम पे सीरियस फोकस्ड ऑन द कैरेक्टर। Because Zareen ma'am is known for his shy person, बहुत ही shy person है वो, और recently उन्होंने interview में भी क्या कहा है, क्या मोहित के साथ बहुत ही अच्छा था मेरी काम के experience, तो उसके बारे में कैसा कहना चाहिए? I think she is a shy person in real life, लेकिन camera के सामने एक actor को shy नहीं होना चाहिए, so she performs really well in front of the camera, and an actor you know कि वो shy होना allowed ही नहीं है unless and until उसका character है, so with Zareen it was very very good working with her. एंड मस्ती सेट पे होती थी, लेकिन जब काम की बात आती थी कैमरे के सामने, दिस वॉज ऑल बिजनेस, लाइक इट वॉज ऑल लाइक यू नो कि करना है हमें तो करेंगे, और जितने भी टेक्स होते थे एवरीबडी सपोर्टेड ईच अदर, लाइक आई सेड बिफोर टू यू कि जितने भी टेक्स दो, एक टेक दो या 100 टेक दो, दैट डजंट डिफाइन यू एज अ गुड और अ बैड एक्टर, इट्स ऑलवेज अ गुड परफॉर्मेंस और अ बैड परफॉर्मेंस एंड you will always give your best in every shot and one of those shots will be your best which will be chosen for the film. ये तो थी कास्ट की बात, और आती है डायरेक्शन की बात, जो कैप्टन ऑफ द शिप रहते हैं आनंद सर, जिसने अक्सर भी डायरेक्ट किया और अक्सर 2 भी डायरेक्ट कर रहे थे, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अरे उनके साथ तो मैं तो उनको बहुत तंग किया, आई यूज्ड टू ट्रबल हिम अ लॉट बिकॉज आई थिंक आई वॉज अ न्यूएस्ट पर्सन एक्टिंग एक्सपीरियंस वाइज इन द फिल्म, आई यूज्ड टू आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं उनसे बहुत सवाल पूछता था मैं, लेकिन पहले ही बोल चुका था उनको फर्स्ट डे पे कि आई अपोलोजाइज इफ आई आस्क यू 100 क्वेश्चंस, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि वो फिल्म के लिए और मेरे परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यस, उन्होंने एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज वो बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, वो अपने एक्टर्स को समझते हैं एंड ही नोज हाउ टू गेट द परफॉर्मेंस आउट ऑफ हिज एक्टर्स। आई टुक एडवाइस फ्रॉम हिम फॉर एवरी सीन इन द फिल्म and apart from that general advice maine liya because he's a very experienced senior actor as well and a director, to unke paas jo experience hai acting and the direction point of view se wo bahut zyada hai, to main unse baar baar sawal leta puchta tha aur wo guidance sahi dete the, so it helps you as an actor when you're stepping your foot in the industry and there's a lot of and you're serious about your work. अक्सर की बात करें तो उसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है एक फर्स्ट पार्ट में और उसकी सेकंड पार्ट आ रही है, तो जो भी सेकंड पार्ट आती है उसका जो किरदार जो रहते हैं उस पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि वहाँ पर एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, वहाँ उतनी परफॉर्मेंस देनी है, तो आप पे ऊपर भी कैसे कुछ प्रेशर है या कुछ? देखिए, आई थिंक प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज अक्सर द फर्स्ट वन 2006 द एक्टर्स परफॉर्म रियली वेल, द म्यूजिक वॉज गुड, द डायरेक्शन, एवरीथिंग वॉज गुड एंड द मोस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट पार्ट वॉज बॉक्स ऑफिस पे उसने बहुत अच्छा किया। तो जनरली क्या होता है, नेचुरली सेकेंड वाले पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस आएगा वो हमें नहीं मालूम, वो ऑडियंस ही तय करेगी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज एंड द फिल्म वाइज आई फील कि सब ने अच्छा काम किया है, एक्टर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब, मे बी आई थिंक आई हैव ऑल्सो डन अ गुड जॉब,
वो आप ही बताना. एंड लेकिन द डायरेक्शन द प्रोडक्शन टीम एंड ऑल द टेक्नीशियंस सब ने काम बहुत अच्छा किया है. कहानी भी बहुत प्यारी है, ये बहुत बहुत सिंपल स्टोरी है. जब भी एक कैरेक्टर जब प्ले करते हैं, जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, तो एक कैरेक्टर में हर एक कुछ फैक्टर रहती है जो चीज छू जाती है, फिर उसके बाद हामी भरी जाती है. तो आपको क्या मतलब वो फैक्टर टच कर गया था जो आपने ये कैरेक्टर के लिए हामी भरी? ये स्क्रिप्ट में मेरे को एक चीज छुई थी, वो था एक्चुअली द होल स्टोरी वॉज वेरी गुड, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर जो मैंने सेलेक्ट किया और जो मैंने कहा आई विल प्ले दिस रोल इज क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मुझे टच करी कि वो कैरेक्टर में हुई नहीं रियल लाइफ में. तो दैट्स व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट. यू डू अ रोल और यू प्ले कैरेक्टर्स दैट मे बी यू आर नॉट इन रियल लाइफ, तो उसी को तो एक्टिंग भी कहेंगे आप. कि ऐसे नहीं है कि अच्छा आप एक एक चीज़ बार बार नहीं कर सकते. कर भी सकते हैं ऑब्वियसली, बट एज एन एक्टर आई बिलीव दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इन डूइंग डिफरेंट रोल्स, इन द सेंस कि मे बी प्लेइंग समथिंग दैट यू आर नॉट, मे बी प्लेइंग समथिंग दैट समवन एल्स इज, और मे बी प्लेइंग समथिंग दैट यू आर ऑब्वियसली. तो ये इस फिल्म में मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एक चैलेंज मिला टू डू अ रोल विच आई एम डेफिनेटली नॉट इन रियल लाइफ. तो जब मैंने देखे थोड़े बहुत सीन, मैंने सोचा ये सच्ची में मैं हूँ, लाइक आई एम डूइंग ऑल दिस. सो यू नो यू फील गुड कि चलो एक और जिंदगी जी ली हमने इस फिल्म में. टू माई फैंस ऑल आई कैन से इज आई विल रिपीट वन थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग गो गेट इट. अगर आपको सच्ची में कुछ चाहिए सच्चे दिल से आपको मिलेगा. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आजकल के टाइम में क्या होता है, पीपल लाइक टू पुट यू डाउन एंड वी ऑल सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स टूडे एंड वी ऑल हैव फीलिंग्स. एक्टर्स आर वेरी सेंसिटिव, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. फेलियर्स अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज यू नो द डेस्टिनेशन. आपको कहाँ जा रहा है मंजिल आपको पता है, लेकिन जो जर्नी है ना मेक दैट ब्यूटिफुल, मेक दैट काउंट. बिकॉज आपको पता है एंड में मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ किसी ना किसी तरह. तो जर्नी जो है ना उसको खूबसूरत बनाओ. टेक द गुड मोमेंट्स, फिल इट इन, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. थैंक यू सर. थैंक यू.